हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंड्रॉयड वर्कशॉप विद स्टूडियो पार्ट 3 में चार ऐप बनाना सीखेंगे। पहला ऐप है हाउ टू मेक एडिशन ऑफ टू इंटीजर वैल्यू व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। लॉजिक वही सिंपल सी है, दो नंबर इनपुट लेंगे, सी इन ए सी इन बी और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी आउट सी। तो यही लॉजिक को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा आउटपुट स्क्रीन किस तरीके से दिखेगा। हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा। 10245 हम देख रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट है। पहला इनपुट 4567 है और दूसरा इनपुट 5678 है। एक हम सम बटन बनाए हैं, जैसे इसमें क्लिक करेंगे इन दोनों का सम हमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगा। ऑथर का नेम को डिस्प्ले करने के लिए एक हमने आउटपुट मैसेज बॉक्स लिया है। अब हम सबसे पहले यूआई बनाना सीखेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने कॉन्स्टेंट लेआउट लिए हैं। एडिट टेक्स्ट हम सेलेक्ट करके ड्रॉप करेंगे, उसके बाद में एडिट टेक्स्ट हमारा ए नंबर हो गया, एडिट टेक्स्ट टू हमारे लिए बी नंबर हो गया। एक बटन लेंगे और उसके कैप्शन को हम सब में रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम स्क्रीन को रन करेंगे तो सम वहां पर दिखेगा। इसी तरह टेक्स्ट व्यू का कैप्शन को बदल के हम उसमें रिजल्ट लिखेंगे और ऑथर के नेम को डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट व्यू टू लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐप डेवलप बाय विवेक दुबे। इन पूरे कंपोनेंट को हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे जिससे कि ये रन कर अनमूवमेंट ना हो। अब हमको इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा जिसमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का लॉजिक आएगा। तो अब देखिए कैसे बन सकता। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेन एक्टिविटी जावा ये हमारे पास में बनेगी और ये बाय डिफॉल्ट बनती है, जिसमें क्लास हमारी मेन एक्टिविटी की रहेगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑन क्रिएट ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर बना हुआ रहेगा मेन एक्टिविटी का। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक पब्लिक वॉइड ऑन बटन क्लिक एक मेथड बनाना है। इस मेथड को ही हम एसेस करेंगे और इसी मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इनपुट से कैलकुलेशन करके आउटपुट डिस्प्ले रिजल्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडिट टेक्स्ट एक क्लास है, उसका हमने इवन ऑब्जेक्ट लिया है और ये हमारे एडिट टेक्स्ट को बेसिकली मेथड को इनपुट देगा। इसी तरह एडिट टेक्स्ट टू में ई टू आएगा और टेक्स्ट में टी वन आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं जावा में भी ये स्ट्रिंग होते हैं। अब ये स्ट्रिंग को हमें पार्स इंटीजर के द्वारा इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारे पास में जो E1 है वो नंबर 1 हो जाएगा, E2 जो है नंबर 2 हो जाएगा। तो लोकल में नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया। अब हमारा नंबर 1 और नंबर 2 को जब हम सम करेंगे तो उसका रिजल्ट सम में असाइन हो जाएगा। अब इसको हमें डिस्प्ले करना है तो हम इसको T1 के द्वारा हम सेट टेक्स्ट करेंगे जिसमें कि हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमारे प्रोग्राम भी रेडी है और हमारा यूआई भी रेडी है। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे हमारे पास में स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला ऐप था। अब हम सेकेंड ऐप बनाना सीखते हैं। तो सेकेंड ऐप, हाँ एक चीज़ और है कि इस ऐप में हमें एक चीज़ और करनी थी कि सम में हमें वो मेथड को कॉल करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑन बटन क्लिक करके जो मेथड आपने बनाया है उसे यहाँ सिंक्रोनाइज करना है। तो ये तीन काम हो गए, पहला काम आपका यूआई बनाना, दूसरा काम आपका प्रोग्राम लिखना और तीसरा काम आपके
मेथड को अपने बटन के साथ सिंक्रोनाइज करना। फ्रेंड्स, इन तीनों को करने के बाद में आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है। आप इसे बिल्ड करके रन करेंगे तो आपको ये ऐप अपने मोबाइल में भी चलता हुआ दिखेगा। ओके, तो लेट मी विल स्टार्ट द सेकेंड मेथड, सेकेंड ऐप। सेकेंड ऐप, द ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल व्हेन द बटन इज क्लिक। तो इट इज इट्स लॉजिक इज वेरी सिंपल। एज वी नो देर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई 3.14 जैसे सिंपल लॉजिक में बनाते हैं हम, और आर को हमें इनपुट लेना है और फॉर्मूला को हमें एग्जीक्यूट करके उसे आउटपुट लेना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूआई कैसे बने। देखिए, यूआई में हमने बनाया है इंटर रेडियस। सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद में हम रेडियस को इनपुट करेंगे और हम देख रहे हैं कि एक एरिया मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है और उसके नीचे में एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ये है एरिया ऑफ सर्कल की। इसके नीचे एक हमने लिया है कैलकुलेट बटन। तो जैसे ही हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा इनपुट रेडियस फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ऑथर को डिस्प्ले करने के लिए हमने एक मैसेज बटन लिया है। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद आवर लेआउट। तो लेआउट में देखिए कॉन्स्टेंट्स लेआउट्स हैं। वी विल यूज द टेक्स्ट व्यू फॉर द डिस्प्ले द इंटर रेडियस एंड द सेकेंड वी विल यूज द एडिट टेक्स्ट फॉर इनपुटिंग द रेडियस एंड वी विल यूज द टेक्स्ट व्यू। इसमें हम लोग डिस्प्ले करेंगे मैसेज एरिया एंड वी विल यूज द टेक्स्ट व्यू 6 जैसे यहाँ दिख रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी कभी आप जो कंपोनेंट लेते हैं और आप बनाते हैं और आपसे नहीं बन पाता है तो आप उस कंपोनेंट को डिलीट कर देते हैं। तो आप जैसे ही डिलीट करेंगे वहाँ पे वो कंपोनेंट का नेक्स्ट जो ड्रैग ड्रॉप होगा वो बढ़ के यानी 5, 6 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1, 2, 3 दिख नहीं रहा है तो वेयर आर दैट। तो बेसिकली वो यहाँ पर रहेंगे नहीं क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमें जो दिख रहा है उसका नंबर 5 है और इसका नंबर 6 है। 1, 2 कहाँ है ये हमें सर्च नहीं करना है। ओके, तो दिस इज टेक्स्ट व्यू 5 जिसको हम एरिया डिस्प्ले करेंगे और टेक्स्ट व्यू 6 में हम 0 डिस्प्ले करेंगे। इसी तरीके से ये कैलकुलेट बटन लिया हुआ है तो इसमें हम उसको कैप्शन को कैलकुलेट लिखेंगे और जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया है। लास्ट में हम जैसा देख रहे हैं कि ऑथर को डिस्प्ले करने के लिए हमने टेक्स्ट व्यू दिया है। तो ये हो गया हमारे ऐप का यूआई कंस्ट्रक्शन। इसके बाद सबको हम कॉन्स्टेंट्स बना देंगे और इस तरीके से हमारा आउटपुट रन होने पर दिखेगा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम जैसे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का हम किस प्रकार से बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम जो बनाया था वही हम पैटर्न यूज करेंगे। यहाँ पर भी हमने एडिट टेक्स्ट एक E1 लिया है और टेक्स्ट व्यू में हमने T1 लिया है। तो हमारे पास में वैल्यू रीड करने के लिए E1 है तो इसको हम रीड करने के बाद में इंटीजर नंबर को ही हम ले रहे हैं। यहाँ पर R लेंगे और हो सकता है कि जब है ना आप R डबल ले रहे हैं। ओके, हाँ आप R डबल ले रहे हैं तो ये इंटीजर और फ्लोट दोनों का काम करेगा। अब आपको सिंपली फार्मूला के द्वारा एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू आर एंड इंटू आर के द्वारा एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा एंड वी कैन इजली आउटपुट रिजल्ट और एट द T1। तो ये हमारा देखिए प्रोग्राम भी बन गया और हमारे पास में उसका लेआउट भी बन गया। अब हमारे पास तीसरा है कि कैलकुलेट बटन को किस तरीके से मैथड के साथ सिंक्रोनाइज करना। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी देखी है, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे पास में मेथड का नाम आएगा, उसे हम सेलेक्ट कर देंगे और अब हमारा तीनों काम हो गए। यूआई बन गया, प्रोग्रामिंग हो गई और हमारी मैथिंग हो गई। अब हम इसे बिल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसे रन करेंगे एंड वी विल गेट फाइनल रिजल्ट ऑन एज इट इज ऑन स्क्रीन। अब हम देखते हैं तीसरा ऐप बनाना, इसमें है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, एवरेज नंबर जब हम बटन को क्लिक करेंगे।
तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब एक से ज्यादा, यानी कि तीन नंबर हम लेंगे, उसमें से जो भी छोटा होगा उसे हम स्मॉलेस्ट बोलेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। इसी तरह बिगेस्ट नंबर तीन नंबर लेंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसे हम बिगेस्ट बोलेंगे और रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। एवरेज नंबर तीन नंबर लेंगे और उसे सम करने के बाद तीन से हम डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड स्मॉलेस्ट बिगेस्ट एंड एवरेज नंबर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑल इन द एप। तीन नंबर लेंगे आप, इनपुट नंबर वन बी एंड सी। यहाँ जीरो जो दिख रहा है इट इज ए रिजल्ट। इसके बाद में आप देखिए बिगेस्ट नंबर का बटन है, स्मॉलेस्ट नंबर का बटन है, एवरेज नंबर का बटन है, ऑथर का नाम डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट व्यू है। इसका यूआई, यूआई के लिए देखिए कॉन्स्टेंट लेआउट लिया है। एक टेक्स्ट व्यू लेंगे हम जिसमें इंटर थ्री नंबर रहेगा, एडिट टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर ए बी सी यानी एडिट टेक्स्ट वन, एडिट टेक्स्ट टू एंड एडिट टेक्स्ट थ्री। अब देखिए हमने एक बटन लिया है जिसका नाम हमने बिगेस्ट दिया है, दूसरा बटन लिया है स्मॉलेस्ट नाम दिया है, और बटन थ्री लिया है जिसको हमने एवरेज नाम दिया है। इसके बाद टेक्स्ट व्यू हम टू ले रहे हैं जिसमें हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, और टेक्स्ट व्यू थ्री जो ले रहे हैं जिसमें ऑथर का नाम को डिस्प्ले करेंगे। इन पूरे कंपोनेंट को हम इसी अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद में हम इसको कॉन्स्टेंट्स को हम फिक्स कर देंगे जिससे कि हमारे कंपोनेंट रन होते समय अनकंट्रोल ना रहे। क्लियर? तो ये पहला काम होना चाहिए, ये हम बहुत मन लगा के करेंगे जिससे कि हमारा लेआउट बहुत अच्छा लगे लोगों को और वो अट्रैक्ट कर सके। अब हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तीन प्रोग्राम हम लिखेंगे। पहला प्रोग्राम हमारा है ऑन बटन मैक्स। तो ऑन बटन मैक्स में हम जैसा देख रहे हैं E1, E2, E3 है, और हमारे लिए जो आउटपुट है वो T1 है। अब हम R1, R2, R3 लोकल वेरिएबल बना लेंगे अपने डबल पार्स डबल के द्वारा, और एक छोटी सी लॉजिक हम बना रहे हैं कि पहले हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज माई मैक्स नंबर एंड देन वी विल चेक दैट नंबर टू द अदर टू नंबर। अगर कोई भी नंबर आपके मैक्स नंबर से मतलब बड़ा है देन वी विल स्वैप अवर एज्यूम मैक्स नंबर। लास्टली हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा बिगेस्ट नंबर होगा, उस बिगेस्ट नंबर को हमें डिस्प्ले करेंगे T1 के द्वारा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द ऑन बटन फॉर द मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट नंबर के लिए निकालना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले बार हमने ग्रेटर साइन लिया था और अब हम क्या ले रहे हैं, स्मॉलर साइन। तो स्मॉलर साइन लेने के बाद में हमारा जो सबसे आखिरी नंबर निकलेगा दैट इज द मीन नंबर, इट विल बी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होगा, इसको हम लोग T1 के द्वारा डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमें तीसरा प्रोग्राम है दैट इज द ऑन बटन एवरेज नंबर। इस एवरेज में हम देख रहे हैं तीन बटन को हम इनपुट करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे R1, R2, R3 के द्वारा, और T1 में हम आउटपुट करेंगे। यहाँ पर एवरेज हम देख रहे हैं सिंपल फॉर्मूला R1, R2, R3 सम करने के बाद में ब्रैकेट के बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे तीन से। तो लेट वी विल गेट ए एवरेज नंबर एंड दैट एवरेज नंबर वी हैव टू डिस्प्ले थ्रू द T1। तो हमारे पास में तीनों प्रोग्राम बन चुके हैं, यूआई बन चुका है। अब लास्ट काम बचा है कि तीनों बटन सिंक्रोनाइज करना। तो सबसे पहले देखिए बिगेस्ट बटन, तो बिगेस्ट बटन को हमने सिंक्रोनाइज किया है ऑन बटन मैक्स के द्वारा, इसलिए स्मॉलेस्ट बटन ऑन बटन मिनिमम के द्वारा। इसी तरह एवरेज बटन को ऑन बटन एवरेज के द्वारा हमने मैप कर दिया है। तो ये हो गई हमारी मैपिंग ऑफ बटन। प्रोग्राम हम तीन बना चुके हैं, यूआई भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। अब इसको हम बिल्ड करेंगे और ऐप को रन करेंगे। जैसे ही हम रन करेंगे हमें जो सबसे पहला स्क्रीन दिख रहा है ये कलर का आपका थोड़ा सा डर्टी, ये अपना डार्क कलर का दिख रहा है, इसी तरीके का दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए आउटपुट बनेगा। अब हमको सीखना है लास्ट हमारा ऐप, आपका लास्ट ऐप है हाउ टू चेक इवन एंड ऑड नंबर एंड द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर व्हेन बटन इज क्लिक। तो देखिए हम इस प्रकार का स्क्रीन बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको स्क्रीन को बनाने की कोशिश करेंगे। इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक मैसेज है इंटर नंबर टू बी चेक। उसके बाद में वहां पे एक आपने इनपुट के लिए
स्पेस लिया है। इसके बाद आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो जीरो दिख रहा है, यहाँ पर आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। दो बटन हमने लिए हैं, इवन एंड ऑड। उसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव बटन दिया है। इस तरीके से हमारा ऐप दिखेगा। और देखिए, बैकग्राउंड में हमने ब्लू कलर दिया है, तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। उसके बाद में हमने उसके साथ में जो फॉरग्राउंड में हमने कलर को, मतलब फॉन्ट्स को हमने ब्लैक नहीं बनाते हुए वाइट लिया है, तो ये कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अट्रैक्ट करता है, तो इसे हम बनाना सीख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हाँ, पहला काम हमारा है यूआई बनाना, दूसरा काम है प्रोग्राम लिखना, और तीसरा हमारे बटन को सिंक्रोनाइज करना। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने ऑथर को डिस्प्ले करने के लिए ऐप डेवलप बाय विवेक दुबे है ना, तो ये आपने एक लिया है, मतलब कंपोनेंट लिया है। अब आप इसको पूरे को ऑर्गेनाइज करने के बाद में इसे आप कॉन्स्टेंट कर दीजिए, जिससे कि रन टाइम के समय में कोई भी कंपोनेंट ऊपर नीचे ना हो और वो अपने ही प्लेस में मतलब डिस्प्ले हो। तो फर्स्ट वर्क, नाउ द सेकेंड वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू राइट स्मॉल प्रोग्राम। तो हमने एक स्मॉल प्रोग्राम लिखा, एक नंबर को हमने रीड किया और एक हमने T1 बना लिया है जहाँ पर हम आउटपुट देंगे। अब हम डबल पास डबल के द्वारा अपने नंबर को कन्वर्ट करके नंबर लोकल वेरिएबल में बना देंगे। अब इस नंबर को हम का रिमाइंडर निकालेंगे %2, और रिमाइंडर को हम चेक करेंगे कि वो जीरो के बराबर है कि नहीं। इफ दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो, देन वी विल एज्यूम, वी विल से आवर नंबर इज इवन नंबर। तो लेट दैट नंबर इज द इवन। अब एल्स होगा तो बट नेचुरल द नंबर इज ऑड। तो दिस इज द स्मॉल लॉजिक टू डिस्प्ले और टू वेरीफाई द योर नंबर। हमको एक बटन बनाना है जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तो यहाँ भी वही इवन और T1 को लेंगे और नंबर को हम पार्स करके डबल में बदल देंगे। तो हमारा लॉजिक बन गया कि अगर नंबर इज द ग्रेटर देन जीरो तो नंबर इज नेगेटिव। ऑफ कोर्स जब अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में एग्जीक्यूट होगा एंड यू हैव टू डिस्प्ले व्हाट नंबर इज नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, आज हमने चार प्रोग्राम देखे, चार ऐप बनाना देखा। बहुत ही आपने पेशेंसली इस पूरे चीज़ को समझा है, सुना है। प्लीज़ मेरे आपसे कहना है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड यू विल गेट वेरी कॉन्फिडेंस टू मेक ए ऐप। ओके, थैंक यू। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं इवन ऑड बटन के साथ ऑड बटन इवन ऑड मेथड लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बटन के साथ ऑड बटन पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवन ऑन ऑड बटन के साथ हमें ऑन बटन इवन को सिंक्रोनाइज करना है। यहाँ पर हम वो मेथड को कैप्चर कर लेंगे। अब हमारे पास में दोनों बटन के सिंक्रोनाइज वर्क आ चुके हैं। अब इसके बाद में हमें बिल्ड करना है ऐप को और हमें रन करना है। जैसे ही हम रन